ज्यांच्याकडे जास्त संपत्ती आहे त्या सगळ्यांकडे ईडी छापे मारत आहे. ईडी सर्व कारवाई करत असून त्यांना सर्व माहिती आहे. शेख हुसेन यांना पत्रकारांनी बावनकुळे यांच्या घरी ईडीने छापा टाकावा का असा प्रश्न विचारला असता शेख हुसेन यांनी बावनकुळेच का सर्व बीजेपी नेत्यांच्या घरी छापे टाकावे असे वक्तव्य काँग्रेस शहराध्यक्ष शेख हुसेन यांनी केले. आज तो हम आपको बोल रहे हैं, आपके मार्फत ईडी को बोल रहे हैं और हम ईडी के पास में देंगे ना, कार्रवाई करेंगे, बोलेंगे इनकी. देखो ऐसे ज्यादा जिसकी संपत्ति है तुम कर ही रहे, पूरे देश में ईडी के छापे हो रहे हैं और ये हम बता रहे हैं तो कम से कम छापे मार के ईडी कार्रवाई करो, मिलना ही है ना, सब कुछ मिलना है. अरे बावनकुळे क्या सारे बीजेपी वाले जितने लोग है उनके घर पे छापे पड़ना चाहिए? बावनकुळे क्यों है? सबके घर को छापे मारे आज सभी जितने पूरा इतिहास उठाओ ना बीजेपी के जितने बहुत है, लिस्ट है लंबी अभी. अरे दो चार क्या नाम बताओ, पूरी लिस्ट है ना, सब है पूरे खोनी, अभी पूरी लिस्ट ही दे देंगे ना आपको बना के. दो चार से क्या होता है, और आपको सब मालूम है, राष्ट्रवादी के नाम करने मालूम है, शिवसेना क्या कांग्रेस वालों के हो रहे, तो आपको क्या बीजेपी वाले इतने नेता? अरे मेरे को बताओ साहब, जो इतने आंग में है कि सात किसानों को जीप से मारकर कुचल दिया गया और बेचारे सात गरीब किसान मर गए, क्या आज उनके परिवार के उन पर गुना तक दाखिल नहीं किया? और जब आवाज उठाई तो उनके ऊपर गुना दाखिल हुआ और उसके बाद गुना दाखिल हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट छोड़ दिया गया उनको, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला और आज वो जेल के अंदर में कितना जुल्म कर रहे हैं. तुम गाड़ी से रोम डाल रहे हैं. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि.